होटल्स आप देख रहे हैं, जो होटल में मैं ठहरा हूँ वो होटल देखिए, ये है होटल, ये कार्ड है मिलन्ज बोटिक, इसको आप यहाँ पे स्कैन कीजिएगा तो ये डोर ओपन होगा, ये देखे हो गया ओपन, इसको क्लोज कर दीजिए प्लीज़, ये क्लोज हो गया, अपने खुलेगी, ये जो कार्ड है इस पर टच करने से डोर खुलती है, और रूम का नंबर नीचे लिखा गया है 401, ये मेरा नंबर है 402, ये देखिए क्या सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल होटल। मैं जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने, ये होटल बैक साइड ऑफ जलान अलोर, इसके पीछे इसके आगे में जलान अलोर स्ट्रीट, जो फूड लवर्स के लिए बहुत अच्छे है, जा सकते हैं इस होटल में, ठहर सकते हैं। कोई स्विमिंग पूल नहीं है दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ आया हूँ, जो यहाँ पे 3 ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं लोग, तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज़ मिलेगी, जो कि है 7 से 10:30 तक आपको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है यहाँ पे, तो इस पर एक बिग ब्रेकफास्ट, एक चार पोटैटो और एक नासी लमा, ये 3 चीज़ें आपके आप चूज कर सकते हो यहाँ से, जो चाहे जो खा सकते हो। ब्रेकफास्ट ठीक है, आप लोग जल्दी आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोग को, जो कि हॉस्टल में आके ठहरना चाहते हैं आप लोग, तो मैं आज मुकेश बिंगतांग से होटल छोड़ कर मैं हॉस्टल पे आया हूँ, तो एक दिन का मुझे पड़ रहा है 500 रुपीज़, साथ में ब्रेकफास्ट फ्री है, तो हॉस्टल का कुछ नियम है आपको, ये आपका मेरा बेड ये नीचे में है, ये ऊपर भी एक जन सो सकते हैं, फिर ये 4 बेड का रूम है, तो ये आपका हॉस्टल पॉलिसी है देख लीजिए, अरे एक इसमें मिरर दिया गया है, एक आपको यहाँ पे लॉकर का चाबी है, एक बेड एंड एक आपका सामान जो है आप रख सकते हो इधर, आपको एक टॉवल देंगे ये व्हाइट कलर का, और एक ये चादर इन लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप द एक्सप्लोरर गेस्ट हाउस में आप रह सकते हो, काफ़ी अच्छा लोकेशन पर है ये हॉस्टल, यहाँ से आपका चाइना टाउन, सेंट्रल मार्केट, बोले तो कस्तूरी बाग, डॉक्टरन मेडार का के एल सिटी गैलरी सब नज़दीक मिलेगा, पसार सनी जो मार्केट है फेमस, यहाँ से सारा चीज़ आपको करीब ही पड़ेगा, आपका सारा चीज़ सामने पड़ेगा आपको, और हॉस्टल के जो ओनर है एक लेडीज़ है, तो काफ़ी अच्छा है, कोई भी बात पूछो तो उनसे वो शेयर करते हैं किधर से किधर जाना है, गूगल मैप का अप्लाई करके दिखा देते हैं, उन लोग का पास एक मैप का लिस्ट है, आप आने से वो लीजिए, लेने का बाद आप लोग को कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाना है पूछिए आप, बेशक वो मैडम आपको हेल्प करेंगे, तो बाहर का मैं बाद में टाइम मिलने से मैं लॉबी आपको दिखाऊंगा ज़रूर, क्योंकि लॉबी में बहुत सारे देश के गर्ल एंड बॉय सब कुछ ठहरते हैं, इसलिए मुझे ख़राब लगता है रिकॉर्डिंग करने में, तो ये देखिए एक रूम, ये रहा मेरा रूम, जो कि 500 पड़ा पर डे मुझे, इसमें 1, 2, 3, 4 बेड है, ये बेड मेरा है, ये पता नहीं किसका है, ये एक इंग्लैंड से आया एक भाई साहब का है, वो भी पता नहीं, ये 3rd फ्लोर पे मुझे मिला है, तो ये था हॉस्टल का रिव्यू आप लोग आने से, और एक टॉयलेट बाथरूम भी कॉमन है, तो एक मुसीबत ज़रूर है अगर इंडियन से आप लोग आ रहे हो, टॉयलेट में यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट पेपर यूज़ करना होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, बाथरूम अच्छा खासा है, बड़ा शावर है, और शैम्पू भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग को कोई लाने का ज़रूरत नहीं है, पर टॉयलेट का ध्यान रखेगा, इसमें
पेपर यूज़ होता है, कोई पानी नहीं है टॉयलेट में, मुझे भी तकलीफ हो रहा है थोड़ा बहुत।